दूसरों से प्यार करेंगे तो अपने आप से प्यार होने लगेगा। सोचते हैं, दूसरों से प्यार करेंगे तो अपने आप से प्यार होने लगेगा। मुझे लगता है अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरों से प्यार अपने आप हो जाएगा। क्यों? सिंपल है। क्यों? ये सब ना सुनने में अच्छा लगता है, सिर्फ सुनना नहीं है, सोचना है कि करना क्या है ये, व्हाट डज इट मीन। अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करती, वो कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि हम करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, कोई भी बात आई मेरे जीवन में, कोई परिस्थिति आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, सारा दिन कुछ 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 होता जा रहा है, और सारा दिन जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो यहाँ कुछ चलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे किसी ने कहा आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप तो छोड़ दो, एक लाइन है, उनकी राय है और वो राइट है उनके लिए, और उन्होंने अपना सच बोला है जो उनके उनको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, दैट इज फाइन। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कहा कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, जो कि एक लाइन थी, उसके बाद मैं अपने आप से कितनी लाइन बोलती हूँ, तो हम अपने आप से कितनी लाइन बोलते हैं उसके बाद? पूरी रात। ओ अच्छा अच्छा, पूरी रात, पूरा हफ्ता। क्या सोचेंगे उसके बाद? क्यों कहा? सबके लिए बहुत कुछ किया। वेरी गुड। मैंने जो किया वो किसी ने नहीं मेरे साथ किया। Oh yes, exactly. जो मैंने सबके लिए किया वो तो किसी ने भी मेरे लिए भी नहीं किया वो, तो भी इतना सब करने के बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? अच्छा, और एनीथिंग एल्स? पूरी रात क्या बोलेंगे? पूरी रात एक लाइन थोड़ी बोल सकते हैं, और बहुत सारी लाइंस होंगी, क्या निकल के आएगा पूरी रात में? हैं जी, हाउ डेयर शी सी दैट ऑल्सो, मतलब दूसरे ने हिम्मत ही कैसे किया ऐसे बोल। वेरी गुड। और मेरे को उस बात में कुछ एनर्जी, उसके बात में एनर्जी नहीं देनी, लेकिन फिर वही बात बार बार आती रहती है। फिर मैंने बोला उस बात में एनर्जी नहीं देनी, लेकिन कोई और बात याद नहीं आ रही, वही वाली बात बार बार याद आ रही है। तो जिस बात को एनर्जी नहीं देनी है, एक्चुअली हम उसी को और एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे मन ने कहा उसको नहीं सोचना है, इट डजंट हैपन, इट डजंट हैपन। वो थॉट बार बार आने शुरू हो जाती है। और कुछ थॉट आएंगे? अच्छा, मैंने ऊपर से क्यों नहीं जवाब दिया? ओह अच्छा अच्छा, ओह मतलब वो बोल के चले गए और मैं चुप रह गई, ओह तो मैं तो फेलियर है ना। ओ अब पता चलता है नेगेटिविटी क्यों फैलती है दुनिया में, इतने खराब है ना। फिर हम कहते हैं चारों तरफ नेगेटिव पीपल है, स्टार्ट होता है सिर्फ कोई और एक नेगेटिव लाइन बोल दे, उसके बाद अगर मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, फिर उसने भी बोलना है, फिर उसने भी बोलना है, फिर उसने भी बोलना है, और फिर बहुत जल्दी वो फैल ही जाएगी। तो कोविड तो एक ही से स्टार्ट होता है ना, सबको थोड़ी होता है स्टार्ट। इट कैन नॉट हैपन टू एवरीबडी, इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम वन पर्सन ओनली। वायरल भी घर में एक ही से स्टार्ट होता है, फिर अगले दिन दूसरा भी खांस रहा है, तीसरे दिन किसी को बुखार है, एक एक, इट ऑलवेज विल हैव टू स्टार्ट विद एक। अगर उस एक को हम वहीं पर उसकी बात को फिनिश कर देते तो हमारी दुनिया में सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव पीपल होते हैं। लेकिन हमने कहा उसने ऐसा बोला तो मैंने वैसा सोचा, इवन अगर बोला नहीं कुछ, इवन अगर हम बहुत अच्छे हैं, हमारा अपने शब्दों पर संयम था, हमने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमने सिर्फ सोचा, तो भी हमने कौन सी एनर्जी क्रिएट की? पॉजिटिव तो क्रिएट की ही नहीं। नेगेटिविटी डज नॉट मीन कि नेगेटिव बोल रहे हैं, हम ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। बोलते तो हम अच्छा अच्छा ही है, हम अच्छा बोलते हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल है। कुछ लोग हैं जो वो कंट्रोल भी खो चुके हैं, है ना, खो चुके, उनको पता ही नहीं उनके मुंह से वो क्या बोल देते हैं, उनको अटेंशन नहीं है। तो पहला कंट्रोल यहाँ जाता है, फिर दूसरा कंट्रोल यहाँ जाता है, फिर कुछ लोगों का हाथ भी उठ जाता है, तो तीसरा कंट्रोल यहाँ जाता है, हाथ में कुछ आएगा तो ऐसे फेंकेंगे। तो धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल खोते हैं, फर्स्ट ऑन द माइंड, देन ऑन द वर्ड्स,
देन ऑन द बिहेवियर. और फिर करने के बाद हम कहते हैं ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई, मेरा कहने का कोई भाव नहीं था. मतलब हम बोल रहे हैं सामने वाले को कि मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल. ठीक लगेगा बोलने में ऐसा किसी? अच्छा तो हम भूल गए, फिर सारी रात हमने क्या सोचा? और अच्छा उसका रिप्लाई क्या देना है वो भी सोचना है. क्यों रिप्लाई देना है ऐसी बातों का? ऐसी बात ना. अब ना दिस इज वेदर आई लव माई सेल्फ और आई डोंट लव माई सेल्फ. अब जिन्होंने वो बात कही वो आपको नहीं कही, या आपके हस्बैंड को कही या आपके बच्चे को कही कि तुम किसी काम के नहीं, अब वो सारी रात सोच रहे हैं. अब आप क्या करेंगे? आपका बेटा या बेटी कॉलेज से आता है या स्कूल से आते हैं या काम से आते हैं और कहते हैं पता है उन्होंने आज क्या बोला, चार लोगों के सामने मुझे बोल दिया तुम कोई काम के नहीं, अब मेरा खाना खाने का मन नहीं है, अब मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, अब मुझे अकेले छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? रो भी रहे हो सकता है सामने वाला, तो क्या करेंगे? और कितनी देर उसको रोने के लिए रखेंगे, पूरी रात या पूरा हफ्ता? क्या करेंगे? पता होता है ना क्या करेंगे दूसरे के साथ, और जब हम वैसा करेंगे तो थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे ठीक, हो जाएंगे. हैं जी, मैं तो ये बोलूंगी कि उसने बोला लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, उसने बोल दिया बेटा डॉक्टर. और फिर बेटा ठीक हो जाता है कि नहीं पहले ये बताओ. एक बार बोलने से वो ठीक नहीं हो गए, बोलेंगे नहीं लेकिन क्यों, लेकिन ये, लेकिन वो, लेकिन ऐसा, तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? नहीं, हम बैठे रहेंगे उनके पास, हम बात करते रहेंगे. वो कहेंगे खाना खाने का मन नहीं है, हम जबरदस्ती उनको खाना खिलाएंगे, फिर कहेंगे मेरे को नींद नहीं आ रही. कोई बात नहीं, तुम सो, मैं बैठी हूँ यहाँ पे. जो भी मे नॉट बी सच अ स्मॉल थिंग, इट कुड बी फॉर अ बिग थिंग ऑल्सो, लेकिन हम गिव अप नहीं करते उसके ऊपर. हम उनके साथ बैठते हैं, उनको समझाते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, उनको उनकी विशेषताएं सुनाते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जब तक उनका मूड ठीक ना हो जाए. इसको कहते हैं किसी से प्यार करना. बस सेम चीज आता है हमको कि क्या करना है. सिर्फ फर्क ये है कि वो जो हमें आता है हम सबके साथ कर सकते हैं, सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, सिर्फ स्पाउस के साथ नहीं, हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, भाई बहन के साथ कर सकते हैं, मम्मी पापा के साथ कर सकते हैं, हम पड़ोसियों के साथ भी कर सकते हैं, हम सबके साथ कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप के साथ नहीं करते हैं. वेरी गुड. तो फिर ठीक है इक्वेशन, हम दूसरों को प्यार करें, दूसरे हमें प्यार करें, फिर खुद का नाम आता नहीं लिस्ट के ऊपर. और सपोज आपने किसी को फोन किया ये सोच कर कि वो आपका मूड अच्छा करे, और उन्होंने ऊपर से बोल दिया तुम्हें तो ना छोटी छोटी बातों को ना बड़ा बड़ा बनाने का शौक चढ़ा हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बेकार की बातों का, सुबह सुबह ऑफिस के अंदर फोन रखो. अब क्या होगा? फोन तो किया था हम, अब फिर किसी और को फोन करेंगे. मतलब हम दुनिया में अपना कटोरा लेके घूमते रहेंगे कि कोई तो मुझे प्यार करे जो मेरे मूड को ठीक करे, लेकिन मैं खुद का नहीं करूंगी. वी आर रेडी टू गो लाइक दिस बिफोर द वर्ल्ड. हम लिटरली ऐसे खड़े हैं दुनिया के सामने, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेरा मूड खराब भी किसी ने किया था और ठीक भी कोई और करेगा. यहाँ का कोई कंट्रोल मेरे पास नहीं है, ये पूरी तरह से कंट्रोल्ड बाय द वर्ल्ड है. दुनिया इसको खराब करती है और दुनिया इसको ठीक करती है. तो हम दुनिया के सामने ऐसे खड़े रहते हैं, प्लीज मेरे साथ अच्छा रहें ताकि मैं ठीक रहूं. तो फिर सेल्फ लव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, फिर कॉन्सेप्ट ही नहीं, फिर रोम अराउंड इन द वर्ल्ड आस्किंग फॉर लव. मुझे प्यार करो, मुझे सम्मान दो, मुझ पर विश्वास करो,
मुझे नाम दो, मुझे मान दो, मुझे महिमा दो, मुझे आगे बिठाओ, मुझे ये करो करो ऐसे। मैंने नई ड्रेस पहनी है तो बोलो मैं अच्छी लग रही। हम ऐसे रहते हैं, ये सेवा की डायरेक्शन नहीं है। सेवा करते हैं ना, सेवा की डायरेक्शन कौन सी होती है? एनर्जी की। सेवा की डायरेक्शन कौन सी होती है? देने की होती है। बट हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। नो एक्सपेक्टेशन तो सेकेंडरी। एनर्जी ऑफ लाइफ क्या है? व्हाट इज योर एनर्जी ऑफ लाइफ? हम कह रहे हैं कि अभी अभी प्रार्थना में कहा था, क्या बोला था, क्या बोला था? सेवा करने से जब भी किसी को किसी चीज की आवश्यकता होगी हम क्या करेंगे? हम देंगे। कौन सी चीजों की आवश्यकता है दुनिया में लोगों को? किसी को प्यार की आवश्यकता है, किसी को खुशी की आवश्यकता है। अब जिसने आकर बोल दिया तुम किसी काम के नहीं, उसको किस चीज की आवश्यकता है? जिसने ऐसा बोला, जिसको बोला नहीं, जिसने ऐसा बोला कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम तो छोड़ ही दो, उसको किस चीज की आवश्यकता है? रुक कर देखना है सामने वाले ने ऐसा बोला, इसकी मनोस्थिति कैसी है ऐसा बोलने के लिए। वो सेम चीज थोड़ा सा डिफरेंटली भी बोल सकते थे कि ये आपने जो किया ये ऐसे नहीं, ये ऐसे भी किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने इतना कड़वाहट से बोला, मतलब उनको किस चीज की जरूरत है? अगर हम ये देखना शुरू करते कि हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत है, तो हम सारा दिन फिर क्या करने लगेंगे? सेवा करने लगेंगे सबकी। और जितना सेवा करने लगेंगे सबकी, तो खुद की शक्ति क्या होती जाएगी? आप दूसरों को धन दो, आपका धन थोड़ा सा घटेगा ही। ये अलग बात है कि लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से वो वापस बहुत बढ़ जाएगा, वो अलग। लेकिन उस क्षण के लिए तो घटेगा। आप किसी को टाइम दो, उस क्षण के लिए आपका समय घटेगा। आप किसी को कोई चीज दो, उस क्षण के लिए वो चीज आपकी घटेगी। लेकिन आप किसी को शक्ति दो तो उसी क्षण आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो एक सेवा है जो नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंट चलनी चाहिए। उसके लिए कोई प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई समय की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। और वो है मन से सेवा करना। हम तन से सेवा करते हैं तो ही कितना अच्छा लगता है, धन से सेवा करते हैं कितना अच्छा लगता है, किसी के साथ कुछ शेयर करते हैं कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर मन से सेवा करेंगे तो वो अच्छा लगना तो एक अलग लेवल का है, क्योंकि वो अच्छा लगना नहीं है, वो अच्छा बनना है। हम अच्छे बन जाएंगे दूसरों की मन से सेवा करने से। सिर्फ क्या करना है? इसने मुझे ऐसा क्यों बोला? नॉट इम्पोर्टेंट। इसकी स्थिति कैसी है? सब है। जिसने जो बोला जो किया वो अपनी स्थिति को ही तो दर्शाया ना, राइट? अपने संस्कारों का दर्पण मुझे दिखाया कि इस समय चाहे वो मेरा संस्कार है, चाहे वो मेरी मनोस्थिति है, चाहे मेरा अभी अभी मूड है कि अभी अभी मेरा मूड खराब था तो मैंने गुस्से से बात कर दी। संस्कार खराब नहीं है, मूड खराब है। लेकिन उस क्षण के लिए मूड तो खराब था ना। लेकिन जैसे ही मूड खराब था और मैंने कुछ बोल दिया या थोड़ा सा रूडली बोल दिया, वो बच्चा भी हो सकता है, कोई और को बाहर से होने की जरूरत नहीं है, वो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। अभी अभी आए, परेशान थे, चिरा आपने कुछ प्यार से बोला, टक करके वहां से रिएक्शन आएगा। तो कहेंगे एक सारा दिन का ध्यान रखो, पूरा दिन इनकी सेवा करो, इनका इंतजार करो, ये आएंगे रात को खाना खाएंगे, वेट करते रहो, ये करो वो करो वो करो, इन रिटर्न ऐसे मिलता है। तो हम ऐसे बन जाते हैं कि प्लीज आप मुझसे प्यार से बात करो। सेवा मतलब सेवा, सेवा मतलब ये नहीं है, सेवा मतलब सेवा। ओ, इन्होंने इस तरह से बात की, इनका मूड इस टाइम क्या है, मतलब किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है? शांति की कमी है इस समय, शक्ति की कमी है, मुझे वो देनी है। देंगे कैसे? कोई अशांत है उसको शांति देंगे कैसे? कोई अशांत है शांति देंगे कैसे? क्योंकि उसको शांति की कमी है। आपने कहा जहां जिसको जिस चीज की कमी होगी हम देंगे, खुद शांत रहेंगे, खुद शांत रहेंगे। कितना सिंपल है बताओ,
कुछ करना नहीं है, और अगर मैं शांत की बजाय मैं अशांत हो गई तो भी हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? अशांति। मतलब जहां जिस चीज की किसी को कमी है, मैंने क्या कर दिया? मैंने उस कमी को और बढ़ाया। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब किसी के पास 100 रुपए थे तो हमने सोचा इनके पास धन कम है तो हमने इनके लिए 1000 रुपए इकट्ठे किए, ये सेवा है। और एक है उनके पास 100 थे उसमें से 50 उठा लिए, क्या हुआ? सुन के ठीक नहीं लगा? क्यों ठीक नहीं लगा? कोई पहले ही अशांत आया था तो कितनी शांति थी उसके पास, 100 रुपए जितनी भी नहीं थी। और फिर हमने क्या किया, हम रूठ गए, रूस गए, रोना भी आ गया, बात करना बंद कर दिया, घर का माहौल और हैवी कर दिया। सामने वाला ऑफिस से कॉलेज से आया था परेशान, एक हैवी माहौल से आया था कि मैं घर जाके कैसे हो जाऊंगा। लेकिन क्योंकि मेरे से ठीक से बात नहीं की तो फिर मैं ही परेशान हो गई, मैं ही रूठ गई, मैं ही रूस गई, मैंने बात करना बंद कर दिया, मैंने खाना रख दिया, खा लेना अपने आप में जा रहा। तो 100 रुपए जितनी शांति लेकर घर आए थे हमने उसमें से भी 50 उठा ली, घर के वातावरण को भारी कर दिया, रात खराब हो गई, अगले दिन सुबह बात करे बिना चले गए अपने अपने काम पर। तो डे बाय डे शांति क्या होती गई? घटती गई। डे बाय डे खुशी क्या होती गई? घटती गई। डे बाय डे प्यार की जगह हर्ट आने लगा, दुख आने लगा, एक्सेप्टेंस की जगह एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। क्योंकि हम ऐसे नहीं खड़े थे ना, ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे तो एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है, और ऐसे खड़े रहो तो एक्सपेक्टेशन ही एक्सपेक्टेशन है, वो तो नेवर एंडिंग है कि आपको मेरे अनुसार होना चाहिए। यू शुड बी द वे आई वॉन्ट यू टू बी, पर सामने वाला तो जो है वो उसी अनुसार आएगा ना, हमारे अनुसार नहीं आ सकता है वो। तो अगर हम इस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करें और कहें हम सेवा पर हैं, फुल स्टॉप। किसकी सेवा करते हैं हम किसकी सेवा करते हैं? हम हर एक की सेवा करते हैं। हम सिर्फ प्रोजेक्ट में सेवा नहीं करते, हम सिर्फ प्रोजेक्ट में सेवा नहीं करते। सेवा मतलब सेवा, सेवा मतलब एक फ्रीक्वेंसी है। एक होता है चाहिए वाली फ्रीक्वेंसी और एक होता है देने वाली फ्रीक्वेंसी। तो जिनको सेवा करनी है उन्होंने देने वाली फ्रीक्वेंसी पर रहना है। ऐसे नहीं कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे नहीं होती सेवा। सेवा मतलब एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन है कि मुझे देना है, और ये वो वाला देना है जो देते हुए सबसे पहले किसको मिलेगा। तो अब जैसे ही उन्होंने आकर उस तरह से बात की, गलत किया, जोर से बोला, इग्नोर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, और हमने कहा कोई बात नहीं, इनके मन की स्थिति आज उदास है, और हमने जाके उनसे प्यार से बात की। फिर उन्होंने और थोड़ा जोर से चिल्ला दिया, फिर हम फिर से गए और फिर से प्यार से पानी पिलाया, चाय पिलाया, और अच्छे से बात की। तो जितनी बार हम करते गए वो, तो किसकी शक्ति बढ़ी? किसकी शक्ति बढ़ी? हमारी शक्ति बढ़ी। फिलहाल दूसरे पर असर हो या ना हो, सबसे पहले उस सेवा का असर किस पर हो गया? हम पर हो गया। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हम क्या करते? अगर हम शक्ति नहीं बढ़ाते तो हम शक्ति डेफिनेटली घटाते हैं। न्यूट्रल नहीं रह सकते उस टाइम जब कहीं से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, न्यूट्रल नहीं रहेंगे, क्योंकि माइंड थॉट तो क्रिएट करेगा ही करेगा। चॉइस ये है कि कौन सी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करनी है, देने वाली की तो शक्ति बढ़ेगी। उनकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम कर ली, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, मुझे ऐसे बोला, जो देखो मुझे ही आके बोलता रहता है, कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, बस फायदा नहीं है, मैं बस पड़ी हुई, कुछ 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 बोलते रहते। सामने वाले ने तो उतना बोला भी नहीं होता, कुछ कुछ नहीं बोला होता सामने वाले ने, एक लाइन कुछ बोली होती है, बाकी पन्ना और किताब तो हम लिखते हैं उसके बाद। पर इतना कड़वा बोलते हैं अपने आप से, इतना कड़वा बोलते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं कि कड़वाहट अंदर भर जाती है, फिर सामने वाले को बोलते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते।
फिर सामने वाले को प्रूफ करना पड़ता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम कहते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते, सामने वाला कहता है मैंने किया क्या ऐसे जिसके लिए आपको लगा, आपने ये लाइन बोली कैसे। तो जिसने वो एक लाइन बोली वो मुझसे प्यार नहीं करता, और मैंने जो हजार लाइन बोली अपने आप को। सो इट इज नॉट अबाउट सामने वाला मुझसे कैसे बात करता है, क्या व्यवहार करता है, इट्स अबाउट उसके रिटर्न में हम क्या बात करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहने वाली है।